सावधान किसान भाइयों से अपील है कि खेती बाड़ी में यदि मशीन थ्रेसर का उपयोग कर रहे हैं गेहूं दवाई के लिए तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अपने अंग हाथ को बचाकर ही मशीन थ्रेसर का उपयोग करें। सावधान सतर्क रहें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों के किसानों से अपील है कि यदि आप किसान हैं और कटाई दवाई आप थ्रेसर मशीन से कर रहे हैं गेहूं की फसल, आप तो सावधान और सतर्क होकर ही आप दवाई करें। जैसा कि आपको बता दूं कि आप कोई भी मशीन आप चला रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप थ्रेसर कटाई बिनाई दवाई जैसे भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसलिए सावधान सतर्क रहना चाहिए कि एक मेरे ही गांव के पास अयोध्या ज़िला, जैसा कि वह बताते चलूं कि उनका एक हाथ जो है कट गया गेहूं की मशीन में थ्रेसर से। उसी को लेकर हम सभी लोगों ने या प्रण किया कि सभी को जागरूक करेंगे। जो किसान भाई इस वक्त गेहूं कटाई या थ्रेसर जो है दवाई कर रहे हैं, उन सभी मशीन जो भी उपयोग कर रहे हैं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले अपनी शरीर का विशेष ख्याल करें, दिशा निर्देश का पालन करें। किसान भाई हों या मजदूर हों, कोई भी चला रहा है आप थ्रेसर, तो आप सबसे पहले आप अपनी दूरियां हाथ को बनाए रखें शारीरिक, और किसी भी तरह से किसान भाइयों से खास इस बार जो भी है आप खास अपील के साथ थे या गेहूं दवाई कर रहे हैं तो थ्रेसर से बिल्कुल आप सावधान होकर गेहूं का जो है दवाई पिटाई करें। जल्दबाजी से किसी भी तरह से मशीनरी उपयोग ना करें और ना ही नशीला पदार्थ का उपयोग करके आप थ्रेसर या मशीन उपयोग करें। हम सबको विशेष तौर से अपने विभिन्न शरीर अंगों को बचाव रखते हुए, हाथ पैर अन्य शरीर के विभिन्न अंग हैं जो हम सबको विशेष ख्याल रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सबको देखते हुए विशेष ख्याल रखना चाहिए। और किसी भी तरह से आप सड़क गड्ढा मशीन या गाड़ी मोटर आना जाना सड़क पर यदि किसी भी तरह से लापरवाही ना करें और ना ही नशीली पदार्थ यानी शराब और अन्य चीज़ें उपयोग करके आप मशीन का उपयोग करें, क्योंकि मशीन तो बहुत ख़तरनाक होता है, अच्छा भी है और ख़तरनाक भी है। जिस तरह से हमारे ही गांव के आसपास में ही एक थ्रेसर चला रहे थे किसान भाई, और वह जो है जल्दी जल्दी में उन्होंने रात में उपयोग कर रहे थे और वह अपने हाथ को बचा नहीं पाए और उनका हाथ जो है कट गया। यह बहुत ही दुखद घटना है और हम सभी को सावधान रहना चाहिए। और आए दिन जिस तरह से देखने को मिलता है, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं होनी चाहिए और हम सभी को विशेष तौर से ख्याल करनी चाहिए। मशीनरी उपयोग कोई भी कर रहे हैं तो दिशा निर्देश का पालन सबसे पहले ज़रूरी है, तब हम आगे काम करें। आप गाड़ी मोटर या कोई भी मशीनरी उपयोग कर रहे हैं तो सावधान होकर चलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।